अभी आप लोग पेपर में देख रहे होंगे कि दो चार दिन पहले जो है कर्नाटक सरकार ने जो है स्थानीय लोगों को जो है जो कन्नड़ भाषी लोग हैं उन लोगों को जो है निजी जो उद्योग धंधे हैं उसमें जो है जो भी प्रशासनिक पद है उसमें 50% आरक्षण और गैर प्रशासनिक पदों में जो है 75% आरक्षण देने का जो है एक विधेयक तैयार किया। और आप देखे होंगे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं उसमें कन्नड़ भाषी लोगों को जो है 100% आरक्षण देने का जो है वो प्रावधान करने का एक विधेयक बनाया गया, लेकिन सरकार ने जो है दबाव के कारण जो है विधेयक वापस ले लिया। और आप लोगों को पता होगा कि कोई ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी जो है पिछले वर्षों में आप देखे होंगे कि जननायक जनता पार्टी जो है जेजेपी हरियाणा की जो पार्टी है उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम लोग भी जो है जो निजी कंपनियां हरियाणा में काम कर रही हैं, जो सोसाइटी हैं, जो ट्रस्ट हैं और इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं जहां पर जो है 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, 30,000 रुपए से ज्यादा जो है वेतन वाली जो नौकरियां हैं उन लोगों नौकरियों के लिए जो है निजी जो क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो स्थानीय लोगों को जो है आरक्षण देने की बात किया गया था। और आपको ध्यान होगा कि उससे संबंधित विधेयक भी बनाया गया था, पारित भी हो गया था, बाद में मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप देखे होंगे कि पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसने जो है इस मसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह जो है संविधान की भावना से मेल नहीं खाता है। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 1984 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन मामला जो आया था उस प्रदीप जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवास स्थान के आधार पर जो है जो आरक्षण नीति है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। थोड़ा मैं संविधान के बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। आप लोग को ध्यान होगा कि संविधान में लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम, निवास के आधार पर जो है सरकारी जो नौकरी है जो लोक नियोजन है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और निवास के आधार पर यदि भेदभाव करना है तो इसके लिए संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद चाहे तो कुछ कानून बना सकती है। जैसे उत्तराखंड में कानून बनाया गया है कि छोटी नौकरियों के लिए जो उत्तराखंड में निवास के आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है लागू की गई है, निवास के आधार पर जो है वहां पर नौकरियां दी जाती है। दूसरे प्रदेश के लोग जो है छोटी नौकरियों के लिए उत्तराखंड में फार्म नहीं भर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि इसी तरह का जो मसला था, अभी मैं बताया कि प्रदीप जैन मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसा आरक्षण जो है संवैधानिक होगा। इसके बाद 1995 का एक मसला है सुनंदा रेड्डी जो मामला था उस मामले में आंध्र प्रदेश में जो है 5% जो अतिरिक्त लाभ देने का जो नियम बनाया गया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 2002 में जो है राजस्थान सरकार ने जो है सरकारी शिक्षक जो भर्ती था, तो आप जानते हैं कि सरकारी शिक्षक भर्ती में जो है इसी तरह का प्रावधान किया था, उसको भी न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो है जो भर्ती अधिसूचना जो जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको भी रद्द कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई कर्नाटक का नया मसला आया है, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों ने इस तरह के कानून बनाने का प्रयास किया लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसके लिए संसद ही कोई कानून बना सकता है, राज्यों को इस संदर्भ में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो हरियाणा का मसला था उस हरियाणा के मसले में यह माना गया था कि यदि ऐसा कानून लागू हो जाएगा तो यह भौगोलिक वर्गीकरण है और संविधान भौगोलिक वर्गीकरण की अनुमति देता है अनुच्छेद 14 के तहत। जो हरियाणा सरकार का मानना था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो संस्था है उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हरियाणा की बेरोजगारी जो दर है पिछले 4 वर्षों में जो है औसत से काफी जो है वो देखा जाए तो ज्यादा हो गई, बेरोजगारी दर बढ़ गया। 2020 में जो है 40% युवाओं को नौकरी नहीं मिला, इसलिए हरियाणा सरकार ने कहा कि हरियाणा में जो औद्योगिकरण है, जो नगरीकरण है उसके कारण जो है बहुत सारा भूमि का अधिग्रहण हो गया। अब बहुत सारे लोगों का जो कृषि क्षेत्र में जो रोजगार था वो कम हो गया और ऐसी दशा में हम लोग को स्थानीय क्षेत्र में जो है नौकरी देने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि हरियाणा सरकार ने इन्हीं सब कारणों से जो है हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 15 जनवरी 2022 को जो है लागू कर दिया। अब लागू करने के बाद ये मसला जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गया था। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है 24 नवंबर 2022 को इसको
असंवैधानिक घोषित कर दिया, इस पर रोक लगा दिया। तो यह मसला जो है साल्व हो गया था। और आपको ध्यान होगा कि 2020 में विधेयक बना था, 2021 में कानून बना था, 2022 में लागू हुआ, और अभी मैं बताया कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हरियाणा में यह कानून जो बनाया गया था उसमें कहा गया था कि हम लोग 75% जो है वह निजी क्षेत्र की नौकरियों में जो है स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे, और यह कानून 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। और यह भी कहा गया था कि 30,000 रुपए से कम का जो नौकरी है सामान्यतः उसमें इस चीज को हम लोग लागू कर देंगे। और मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जो महामारी की परिस्थिति थी, उस महामारी की परिस्थिति में जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को जो रोजगार है वो कम हो गया था। इसके कारण जो है हरियाणा सरकार का मानना था कि जो बेरोजगारी की समस्या है उस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योग धंधे हैं, जो अर्थव्यवस्था है, उसके बीच संतुलन बनाने में भी इस तरह का कानून जो है वह हमारे लिए योगदान दे सकता है, सामंजस्यपूर्ण वातावरण भी बनाया जा सकता है। और हरियाणा सरकार का यह भी कहना था कि भाई बाहर के लोग आकर नौकरी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, मलिन बस्तियों में रहेंगे, चूंकि सैलरी कम होगा तो बहुत ज्यादा जो है वो लोग अच्छे जगह तो रह नहीं सकते हैं। और स्थानीय लोग यदि मान लीजिए नौकरी पाएंगे तो उससे जो है जो झुग्गी झोपड़ी है, जो मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है, इस तरह की समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो नगरीकरण का भी इसमें हवाला दिया गया था कि नगरीकरण की समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कानून को असंवैधानिक घोषित क्यों किया, या कर्नाटक सरकार को विधेयक क्यों वापस लेना पड़ा, या महाराष्ट्र में भी इस तरह का प्रयास असफल क्यों हुआ। सबसे पहली समस्या तो यही है कि प्राइवेट कंपनियां अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन पर मूल अधिकार लागू करने का आप दबाव डाल ही नहीं सकते। रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना जो है अनुच्छेद 14 का जो है वह उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि जब अनुच्छेद 12 के तहत निजी कंपनी आता ही नहीं है तो फिर सरकार कैसे दबाव डाल सकती है। और दूसरा पहलू जो अभी मैं बता रहा था कि निवास के आधार पर आरक्षण का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, राज्य सरकार के पास यह अधिकार है ही नहीं है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो यह संविधान की जो मूल भावना है समानता, उसका भी उल्लंघन माना जाएगा। यदि हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो इससे जो भूमि पुत्र का सिद्धांत है, उस भूमि पुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा, यह हमारी जो है देखा जाए तो एकता अखंडता को भी प्रभावित कर सकता है। और देखिए इसमें तकनीकी समस्या भी है, यदि हम इस तरह का कानून लागू करना शुरू कर देंगे तो राज्य में अवस्थित जो मल्टीसेक्टर कंपनियां हैं, ट्रांसलेशन जो कारपोरेशन है, ये लोग दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आरक्षण जो है, जो उत्पादकता है, राज्य का जो विकास है, राज्य में जो उद्योग के अंतर्गत जो है विकास जो हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा हो रहा है, ये सब जो है प्रभावित हो सकता है। औद्योगिक संघ ने भी अपना तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। देखिए संकल्पनात्मक भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से जो है कौशल और विश्लेषणात्मक जो है वह दिमाग पर आधारित होती है। और ऐसी दशा में यदि मान लीजिए आप इस तरह का आरक्षण लागू करेंगे तो ये बताइए कि निजी कंपनियों का तो फिर जो है हरास शुरू हो जाएगा, कहीं कहीं निजी कंपनियां दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर देंगी। और भारत में कोई व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो, कहीं का भी डोमिसाइल लगता हो, कहीं भी जाकर जो है रोजगार कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि निजी क्षेत्र में जो है वास्तविक कौशल युक्त जो लोग हैं वही लोग जो है नौकरी करते हैं। अभी बताइए कि निजी क्षेत्र का जो कंपनी है वह कौशल युक्त व्यक्ति को रखेगा, अब कहीं ना कहीं स्थानीय लोग यदि वह कौशल नहीं रखते हैं, स्किल नहीं रखते हैं, फिर निजी कंपनी वाला क्यों रखेगा। तो यह कानून योग्यता के साथ अन्याय भी है। निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्णतः जो है योग्यता और कौशल पर आधारित होती है। निवास स्थान के आधार पर जो है निजी क्षेत्र में नौकरियों में जो आरक्षण देना जो है एक प्रकार से अराजक स्थिति पैदा कर सकता है। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो यह उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भी मेल नहीं खाता है। अब इस तरह की जो समस्या उसका क्या समाधान है, देखिए वास्तविक समाधान तो यही है कि क्षेत्रीय जो विषमता है उसको कम किया जाना चाहिए, श्रम उद्योग श्रम प्रधान जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, लोगों को उनका स्किल डेवलप किया जाए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंपनी लगाई जाए, निवेशकों को आकर्षित भी किया जाए, जिससे जो है हर जगह रोजगार की संभावना बन सके। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वह उचित जो कौशल है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे जो है
वही लोग यदि स्किल अपना डेवलप कर लेंगे तो बाहर के लोग जो है वहां पर नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे जो है समस्या का समाधान हो सकता है। और आरक्षण देना जो है निजी क्षेत्र के लोगों को, मतलब कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोगों को या स्थानीय भाषा के आधार पर जो आरक्षण देने का बात चल रहा है, यह न तो संविधान संगत है और न ही जो है वर्तमान वैश्वीकरण की परिस्थितियों से मेल खाता है। और यह हमारे यहाँ जो है एक प्रकार से देखा जाए तो नए संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है। फिर हम लोग जो है किसी अगले मुद्दे को लेकर जो है अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। और सभी लोगों का धन्यवाद।